नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को न्योता दिया अपनी जो जनशक्ति यात्रा थी उसमें आने का न्योता जो है उन्होंने मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव को दिया, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव की जनशक्ति यात्रा में शामिल नहीं हुए। आपको बताएं कि लगातार जिस तरह से इन दोनों भाइयों के बीच दरार की खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये खबर जो है इस पर मोहर लगती हुई नजर आ, और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव के बुलाने के बावजूद उनका अर्जुन उन तक नहीं पहुंचा। आपको बताएं कि लगातार ये बातें जो है तेज प्रताप यादव की तरफ से कही जाती है कि वो कृष्ण है तो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव उनके अर्जुन है और वो हमेशा अपने अर्जुन की रक्षा करेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन कल जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद की जो है वो जनशक्ति वाली जो यात्रा उन्होंने निकाली उसमें तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं रहे। हालांकि तेजस्वी यादव से जब इस पर सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि तेज प्रताप यादव जनशक्ति यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो तेजस्वी यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर किसी को ये करना चाहिए, ऐसे में अगर तेज प्रताप ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अगर हम इन दोनों भाई की बात करें, यानी कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की बात करें, तो इन दोनों के बीच की जो दरार है वो अब खुलेआम नजर आ रही है और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव के बुलाने के बावजूद तेजस्वी यादव उनकी इस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी पार्टी में जिस तरह से दरार आई थी, जिस तरह से तेज प्रताप ने अपने वरिष्ठ नेताओं को अपमान किया था, उस वक्त भी हमने वो तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से तेज प्रताप जब तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव मिलने से ही इनकार कर देते हैं, जिसके बाद गुस्से में बौखलाकर तेज प्रताप बाहर निकलकर उनकी तरफ से जो है बातें कही जाती है। उनका कहना रहता है कि तेजस्वी जो को कोई जो है अपनी बातों में रख रहा है, उनके सलाहकार इस तरह के कदम उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों भाई के बीच की जो दरार की खबरें है वो अब खुलेआम नजर आ रही है और यही वजह है कि तेज प्रताप के न्योता देने के बावजूद तेजस्वी यादव उनकी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। बता दें कि बीते दिन तेजस्वी यादव सिवान गए, जहां पर शहाबुद्दीन के बेटे की निकाह थी, वहां वो शामिल हुए, लेकिन अपने भाई तेज प्रताप से मिलने के लिए एक बार भी तेजस्वी यादव नहीं गए। हालांकि मीडिया के माध्यम से बार बार तेज प्रताप यादव की तरफ से ये कहा गया कि अगर तेजस्वी उनके साथ इस यात्रा में शामिल होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव उनकी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। यानी कि दोनों भाई के बीच जो टूट की खबरें हैं वो अब कहीं ना कहीं सार्वजनिक हो चुकी है और यही वजह है कि खुलेआम दोनों भाई के बीच की बगावत नजर आ रही है। देखने वाली बात होती है कि लालू प्रसाद इस डैमेज कंट्रोल को किस तरह से पूरी करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम आपको बताएं कि राबड़ी देवी भी पटना में है। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है, और जब लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचते हैं तो दोनों भाई के बीच जो ये आर पार की लड़ाई चल रही है इसे किस तरह से वो सुलझाते हैं। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।